के साथ पिछले 4-5 दिनों से हूँ। इनके एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। ये हर राम भक्त की पीड़ा है। मंदिर जाने को सांप्रदायिक बता दिया जाता है, प्रभु राम की बात करने को क्या बता दिया जाता है, और अयोध्या की बात करने को राजनीतिक मुद्दा सांप्रदायिक बता दिया जाता है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा जी राजू दास। नहीं, इतनी कठिन कि आपने बात किया तो आंखें भर आई। वो दिन जब हम लोग बोलते थे तो लोग चिल्लाते थे हम लोग को, पर बात करते हो जी। ऐसे बोलते थे कि लगता था कि हम बहुत बड़े आतंकवादी। ऐसे भाषा का इस्तेमाल करते थे कि रोना आता था और हम लोग रोना पड़ता था। अब क्यों रो रहे हैं राजू दास जी? अब क्यों आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं? आप अमन जी नहीं समझोगे, आप मीडिया के हो। आपने कहा कि राजू दास जी कैसा बीता, जब ये शायद पहली बार होगा आपकी आंखों में आंसू देखे। पहली बार बाप मर गया तो रोया ही नहीं, क्या बात करते हो। पहली बार मैंने आपकी आंखों में आंसू देखे। वो राम भक्तों की सीना गोली से छलने होते देखा, आप समझ सकते हो। हनुमानगढ़ी पे वो दिन देखा कि आगे गेट में ताला बंद हो गया, पीछे गेट में ताला बंद हो गया। शंकराचार्य को पीटते हुए, युवा मोर्चा का एक प्रदेश अध्यक्ष था उसको पीटते हुए, हम लोग को मारते हुए पुलिस वाले ले गया, क्या बात करते हो। वो भी दिन देखा है। आज जो लोग कहते हैं कालिमी जैसे लोग कहते हैं नहीं मुझको निमंत्रण दो मैं भी आऊंगा, अरे तुम राम के ठेकेदार हो क्या? मेरे भी राम है। अब रोने का समय थोड़ी ना मन राजू दास जी। नहीं, ये रोने की बात नहीं है, ये कष्ट है, ये पीड़ा है। उन राम भक्तों की क्या कसूर था मैं पूछना चाहता हूँ मन जी। कोठारी बंधुओं का क्या कसूर था, क्यों गोली मार दिया गया? माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, वो भी तो कह सकते थे। क्या कोई वहां चढ़ गया था क्या? राम जन्मभूमि से 2-2, 3-3 किलोमीटर लोग दूर थे, वहां तो थोड़े नहीं। ये कष्ट है, ये पीड़ा है, ये बता रहा हूँ। सरजू आश्रम करने नहीं देते थे, 84 कोसी परिक्रमा करने नहीं देते थे, क्या बात करते थे। फैजाबाद मुझे यतेंद्र के पास जाने, एक बार मुस्कुरा दीजिए तब जाऊंगा। अब आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते आपके, थोड़ा सा मुस्कुराइए और मैं यतेंद्र के पास जाऊंगा, मेरे सहयोगी के पास। राम भक्तों की पीड़ा है। तो उल्लास का समय है। नहीं, उल्लास के समय है, लेकिन मैं भूलूं तो नहीं ना इन काल नियमियों को। इन काल नियमियों को गदा की जरूरत है, जो अभी भी नहीं। गदा ये छोटा नहीं है, ये महाबली की गदा, हनुमान जी महाराज की गदा है। इन दुष्टों को इस गदा की जरूरत है अभी भी। राम भक्तों की सीना गोली छलनी करने के बाद ये कहते कि नहीं मैं भी राम का हूँ। अरे इन काल नियमियों से सावधान होने की जरूरत है और कुछ नहीं। तो आंसू आने स्वाभाविक हैं जब आप उस दुख से गुजरते हैं। तो आपके जब आपके पास इतना बड़ा दिन आया है, पुरानी यादें अगर ताज़ा हो जाएं तो दिल में अभी भी एक घाव है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से परेशानी आ जाती है। लेकिन छोड़िए अब ये सब बातें, अब तो राम आ रहे हैं। राम के लिए खुशियां मनाइए, ढोल बजाइए और जरा तस्वीरें मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन जो किशन आपको दिखाएं। तो देखिए कैसे, अभी मैंने आपको सुबह दिखाया था, देखिए जरा ये देखिए कितनी तेजी से काम होता है। सुबह तक आप देख रहे थे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव तक लिखा हुआ, लेकिन दाद देनी पड़ेगी इन लोगों की, तारीफ करनी पड़ेगी कितनी तेजी से काम कर रहे हैं कि इतनी जल्दी नीचे वाली लाइन पर भी आ गए और भक्तों का स्वागत लिखने जा रहे हैं। ये पुलिस वाले बड़ा अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, कहते हैं कि हम बड़ा अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हमें यहाँ पर ड्यूटी करने को मिला। और इनकी भी तारीफ करिए, 12-12 घंटे ये लोग काम कर रहे हैं और कल तो ना जाने इनको कितना लंबा काम करना पड़ेगा। यहाँ 12 घंटे बैठते हैं, रात रात भर बैठते हैं, इन पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि अयोध्या पर कई ऐसी नजरें भी हैं, बुरी नजरें गड़ाकर भी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन करने दीजिए, जहाँ के पहरेदार हनुमानगढ़ी के हमारे हनुमान जी हैं, जहाँ के पहरेदार ये सब हैं, शायद ही कोई कुछ कर पाए। ये भी दिखाइए जरा, ये देखिए ये फूल बस अब लगाने बाकी रह गए हैं, ये भी अब शाम तक हम मानकर चल रहे हैं लगा दिए जाएंगे। चलिए अब हम आपको खबर बता देते हैं। मैंने आपको अभी पुलिस वालों से जुड़ी खबरें बताई, लेकिन मैं अभी आपको एक खबर और बता दूं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और अब जो कल मेहमान आने हैं, आज से आने शुरू हो जाएंगे, अगर वो भी अयोध्या में दाखिल होना चाहते हैं तो उनको एक जो निमंत्रण दिया गया उस पर एक QR कोड है, उस QR कोड को स्कैन करने के बाद ही उनको अंदर एंट्री मिलेगी। ATS ने अपना यहाँ पर पूरा दस्ता रख दिया है, यहाँ पर कमान संभाल ली है, NDRF ने कमान संभाल ली है, तो रैपिड एक्शन फोर्स भी जगह जगह तैनात कर दी गई है, कहीं पर परिंदा भी पर ना मार पाए। मैं तो इससे आगे कहती हूँ कि पहरेदार तो हनुमानगढ़ी के हनुमान हैं, लेकिन इन पहरेदारों को भी लगाना जरूरी है और इसीलिए यहाँ सख्ती हो गई है सख्त। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। तो देखिए पहरेदार जो है वो बैठे हैं, विराजमान है और इंतजार यही कर रहे हैं हनुमान जी जो प्रिय भक्त हैं प्रभु श्री राम के, कोतवाल भी उन्हें कहा जाता है। और देखिए एक भजन मंडली आगे से राम धुन गाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच हम आपको एक खबर भी बता दें कि RSS के जो भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर हैं, उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि
सद्भावना और एकता का प्रतीक है। आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं इससे सीखेंगी। सुनिए उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से क्या खास बातचीत की है, फिर मैं आपको ये जो भक्तों की रामधुन है वो सुनवाऊं। सुदीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि हिंदू तुष्टिकरण कर रहा है संघ और उसी रास्ते पर ले जाने की पूरे देश को कोशिश है। मुझे लगता है कि मैंने जैसे कहा कि ये अनावश्यक विषय है और सर्वसम्मति से ये प्राण प्रतिष्ठा मंदिर बन रहा है और सब न्यायालय के निर्णय भी हुए हैं, सारे पक्ष देखे गए हैं, तो मुझे लगता है कि तीर्थक्षेत्र न्यास जो है उसने सभी प्रकार के लोगों को बुलाया है, सभी दल के लोगों को भी बुलाया है उन्होंने और सभी मत संप्रदाय सबको बुलाया है। तो राजनीति का कोई भेद नहीं है, जाति का कोई भेद नहीं, पंथ संप्रदाय का कोई भेद नहीं है, आर्थिक गरीब अमीर का भेद नहीं है। तो मैंने जैसे कहा कि सारे भेद भूल कर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि राम जी सभी को अच्छी बुद्धि देंगे ही, सद्बुद्धि, ये मेरा और राम जी की तरफ प्रार्थना है। सुनील, क्या राम मंदिर जो बन रहा है क्या इससे हिंदू समाज और खासकर इस देश का कुछ आगे का विकास की जो बात करते हैं उससे वो कोई रास्ता कहीं खुलता हुआ नजर आएगा? स्वाभाविक रूप से कि जब ये जो मतलब हिंदू समाज की जो एकता उभर कर आ रही है और ये जो सद्भाव बन रहा है, तो जो सद्भाव है वो निश्चित रूप से एक दूसरे को सहयोग बढ़ाता है और जब समाज में एक दूसरे के प्रति सहयोग बढ़ता है तो अपने आप ही हम एक दूसरे की तरक्की में सहयोग करते हैं और उससे मुझे लगता है कि उसका परिणाम हमारे सामाजिक जीवन पर, आर्थिक जीवन पर, हमारे राजनीतिक जीवन पर, मतलब समाज जीवन के जितने भी प्रकार हो सकते हैं उन सब पर उसका सकारात्मक प्रभाव होता है और ऐसे जो उत्सव होते हैं वो हमें उस दिशा में अधिक कार्य करने के लिए उद्युक्त मतलब प्रोत्साहित करते हैं। तो मैं राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और उसमें देश भर से लोगों की जो सहभागिता है अपने अपने मोहल्ले में, मंदिर में, वो जो स्वयं उत्साह से जो उनका सहभाग है वो मुझे लगता है इसी ओर इंगित करती है कि देश पूरी तरह उत्साह में है और इसी उत्साह से अब आने वाले बहुत सारे कार्य किए जाएंगे। शीत लहरें चल रही हैं, लेकिन प्रभु श्री राम की भक्ति का जोश और गर्म जोशी देखिए कि किस तरीके से भक्त जो है यहाँ पर दूर दूर से पहुँच रहे, ढोलकी और मंजीरा बजाते हुए, राम धुन गाते हुए। कहाँ से आए आप लोग? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले काकनवानी से हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही पूरा राममय, भगवामय पूरा। अच्छा, दर्शन हो गए आप लोगों के? नहीं, दर्शन आज करेंगे हम। दर्शन आज करेंगे, तो क्या आज सुनाएंगे आप राम की भक्ति में? हम झाबुआ जिले से, जहाँ पूरा आदिवासी एरिया पड़ता है हमारा, वहीं से आए हैं और प्रभात फेरी हमारा डेली का रूटीन रहता है सुबह से। अच्छा, तो बजाइए कुछ, सुनाइए। राम धुन आप बजा रहे थे अभी तक। श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, अयोध्या के राजा राम, राम अयोध्या के राजा राम, राम भक्त जनों के राजा राम, राम भक्त जनों के राजा राम, जो है आज अयोध्या के कोने कोने से सुनाई दे रही है और हमें यकीन है कि राम भक्ति की लहर आप तक भी न्यूज 18 इंडिया के जरिए पहुंच रही होगी। सपना, आपने इन धुनों को सुना? हर कोई जो है राम धुन में डूबा हुआ है और होना भी चाहिए। मोनिका, आप और मैं भी, अगर अभी हम इस तरीके से अभी लाइव बुलेटिन नहीं कर रहे थे तो शायद हम भी कहीं किसी कोई भजन मंडली गा रहे थे तो हम भी उसमें रम जाते। होना भी चाहिए, स्वाभाविक है, इस वक्त मौका इतना बड़ा है। लेकिन अब मोनिका अपने दर्शकों को 3 तस्वीरें दिखाते हैं।